हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आहूजा के डीजे सेटअप के बारे में और ये डीजे सेटअप में आपको क्या क्या इक्विपमेंट दिखने को मिलेगा। चले सबसे पहले वही बात कर लेता हूँ। देखिए, इसमें आपको आहूजा के चार बेस दिखने को मिलेगा और चार टॉप दिखने को मिलेगा, साथ में एम्पलीफायर आहूजा का ही रहेगा। तो चले सिंपल, इसमें कितने वोल्टेज का एम्पलीफायर और कितने वोल्टेज का स्पीकर डला हुआ है आहूजा के बॉक्स में, तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करता बिना टाइम वेस्ट की। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हम वेबसाइट पर नहीं गए तो वेबसाइट में जाइए, उसमें आपको डी सेटअप सब जितना रिलेटेड आपको पोस्ट देखने को मिलेगा और प्राइस भी साथ में देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, आपको डी सेटअप देखने को मिल रहा है जो कि चार बेस और चार टॉप के साथ साथ में एम्पलीफायर भी देखने को मिल जाएगा। तो चले सिंपली क्या क्या बेस में लगाया हूँ और टॉप कौन सा मॉडल है, तो चले सबसे पहले बात करेंगे बेस का मॉडल नंबर। तो बेस का मॉडल नंबर लिया हूँ जो कि SWX1000, जो कि इसका आरएमएस पावर की बात करें जो कि 1000 वाट का देता है। और ये 1 ओम बना हो तो मतलब एक ही स्पीकर लगे होते हैं इस बेस में। और इसका फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा खासा है जो कि 36 से लेकर 200 हर्ट्ज तक दिया है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेस आपको सुनने को मिलेगा इस बेस में। और इस बेस के अंदर एक स्पीकर लगा होता है जो कि 8 इंची का है। और इस स्पीकर का वॉइस कॉल की बात करें जो कि 5 इंची के वॉइस कॉल के साथ है। नॉमिनल इंडिपेंडेंट आपका 8 ओम में काम करेगा और इसका नेट वेट आपका 53 kg लगभग हो जाएगा। तो चलिए सिंपल, इतने बेस के स्पेसन आपको दिखने मिल जाएगा। और आगे बात करूँगा जो कि टॉप का, तो टॉप का मॉडल नंबर SRX500, इसका आरएमएस पावर की बात करेंगे जो कि 400 वाट के आरएमएस पावर देता है। और ये 2M बनाता है, 2A आप लोग पता होगा जो कि मैं हर वीडियो में बता देता हूँ। 2A किसे कहते हैं, जो कि एक एचएफ और एक स्पीकर को मिलाकर 2A कहलाता है। तो चले इसका फ्रीक्वेंसी जो कि 50 से लेकर 20 हर्ट्ज तक काम करता है। और ये आपका 2 स्पीकर लगा होते हैं जो कि 15 इंच के दोनों स्पीकर है। और ये आपका 2 स्पीकर लगा होते जो कि इसमें आपको 8 ओम में काम करेगा, मतलब 16 ओम का 2 स्पीकर लगे होते हैं आहूजा का, उसे पैरेलल किया है तभी आपका 8 ओम में काम करता है। तो चले आगे और बात कर लेता हूँ जो कि इसके साथ नेटवर्क की भी मतलब प्लेट भी आता है क्रॉसओवर। तो यह क्रॉसओवर अब लगा होता है 6000 हर्ट्ज का और इसका वेट आपका 49 kg लगभग हो जाएगा। तो चले आपको ये टॉप का भी इतना एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं डाइट पॉइंट पे। तो पॉइंट है कि इसके साथ कौन कौन सा एम्पलीफायर लिया हूँ जो कि आहूजा का रहेगा। और मैं पिछले वीडियो में जो कि दूसरा मतलब डीजे सेटअप वीडियो में बता दिया था कि उसमें आपको मोनो एम्पलीफायर रहेगा और इस एम्पलीफायर में आपका डुअल चैनल मतलब एम्पलीफायर रहेगा। तो चले इसमें वही में बात करूँगा। तो देखिए, इसमें आपको जो डुअल चैनल जो लिया हूँ आहूजा का LXA 6000 जो कि बेस के लिए लिया हूँ, मतलब चारों बेस इसमें बच जाएगा। तो चले इसका भी थोड़ा आरएमएस मतलब वोल्टेज जान लेता हूँ। तो इसमें आपको 8 ओम में आपका 1300 वाट लोड देता है, 4 ओम में आपका 2000 वोल्टेज और 2 ओम में आपका 3000 वोल्टेज दे देता है। इसका डैम्पिंग फैक्टर की बात करें जो कि 400 है, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा आपको मतलब पंच देखने को मिल जाए, लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन आहूजा का क्वालिटी आपको जबरदस्त, उसमें भी बेस आपको जबरदस्ती मिलेगा। तो चलिए इसमें मैच करके देख लेता हूँ इस एम्पलीफायर में चार बेस किस तरह बजा सकते हैं। तो देखिए, इसमें बेस का आपका 1000 वाट का आरएमएस पर देता है, तो चार बेस की जब 4000 वोल्टेज को जाता है तो अलग अलग दो कीजिएगा जो कि इसमें 4 ओम में काम करेगा 2000 वोल्टेज का। तो ये पर चैनल आपका 4 ओम में आपका 2000 वोल्टेज का दे देता है एम्पलीफायर। तो सिंपल इसमें आपको 2 बेस आराम से बजेगा, आपको कोई बात नहीं, आराम से बजेगा, मतलब 2 बेस इधर भी 2 बेस में 4 बेस इस एम्पलीफायर में बज जाएगा। तो चले और नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप बॉक्स के लिए कौन सा एम्पलीफायर लिया हूँ। तो ये एम्पलीफायर आपका LXA 2400 जो कि इस एम्पलीफायर को आप लोग जानते होंगे। तो इसका 8 ओम में आपका 600 वाट लोड देता है, 4 ओम में आपका 850 वाट लोड देता है और 2 ओम में बात किया जाता है 1200 वाट लोड देता है। तो इसमें भी अच्छा खासा आपका परचन मतलब आउटपुट दे देता है। तो इसमें आप किस तरह मैचिंग कर सकते हैं, तो देखिए एक टॉप आपका आ जाता है मतलब 400 वाट का, तो इसमें आपका 8 ओम में काम करेगा, तो इसमें 2 की जो पैरेलल आपको 4 ओम में काम करेगा, तो 4 ओम में आपका आ जाता है 800 वाट। और इस एम्पलीफायर में आपको देखे पर्चल मतलब 4 ओम में आपका 850 वाट लोड देता है। तो सिंपल इसमें इधर भी 2 टॉप और इधर भी 2 टॉप आराम से बजेगा, आपको कोई प्रॉब्लम बात नहीं। और इस तरह डिजिटल बनेंगे तो आपका अच्छा खासा आपको साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगा। जी हाँ, तो चले अब सीधे डाइट पॉइंट में बात करेंगे, ज़्यादा बात को घुमा फिरा नहीं बात करेंगे। अब सिंपल इसका प्राइस थोड़ा बहुत जान लेते हैं, प्राइस कितना पड़ेगा टोटल के प्राइस। तो चले सिंपल पहले बात करें तो बेस का प्राइस, तो देखिए बेस का प्राइस पहले का था 24 या 25 हज़ार रुपया था, लेकिन अब घट चुका है जो कि 23 हज़ार रुपया में आपको ये बेस मिल जाएगा। वो टॉप का, तो टॉप का वो भी आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, लिए आपका 15 से लेकर 16 हज़ार के बीच में पड़ जाएगा। और अगर इसमें 4 कीजिएगा तो आपको ज़्यादा ही पड़ेगा, जो कि 15 हज़ार मान के चलते टॉप का, तो ये आपको लगभग 60 हज़ार रुपया पड़ जाएगा। और बेस का मान के चलते 23 हज़ार, तो 23 हज़ार आपका 4 का लगभग 96 हज़ार रुपया पड़ जाएगा। और साथ में बात करेंगे जो कि एम्पलीफायर LX 6000 का, इसका भी प्राइस आपका लगभग पहले का प्राइस आपको जो कि 50 हज़ार रुपया था, अब घट चुका है, ये आपका 45 से लेकर 46 हज़ार रुपया में को पड़ जाएगा। और ये आपका जो कि LX 2400, ये आपका लगभग 26 या 27 हज़ार रुपया में ये एम्पलीफायर आपका आ जाएगा। जी हाँ, आपको इतना पड़ जाएगा। और चलिए टोटल कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ टोटल का सेट कितना पड़ेगा। तो इसकी ना आपको टोटल प्राइस दिखने को मिल रहा है, तो आपको इतना पड़ेगा तभी ये इस तरह DSLR बना सकते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।